नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर वर्ड डेवलपमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है फॉर इकोनॉमिक्स वो आपके डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि इस पार्ट में, इस वीडियो में हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, उसके हर पर्सन टू पर्सन किस तरह से डेवलपमेंटल गोल्स जो होती है वो वैरी करती है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए डेवलपमेंट का, तो मतलब क्या होता है, उन्नति, या फिर हर इंसान के डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होती है, कुछ आकांक्षाएं होती है कि वो किस तरह से ग्रो करना चाहता है, किस तरह से उसका उन्नति हो सके। चाहे वो एक आम इंसान हो जो लेट सपोज दिहाड़ी मजदूर होता हो, या फिर वो बड़ा सा ऑफिस में काम करता हो, या एक प्राइम मिनिस्टर हो, सबके माइंड में डेवलपमेंटल गोल होती है और सबके पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस आपके अगर स्कूल में ले लिया जाए, तो अगर एक स्कूल में आप हैं तो लेट सपोज आप क्लास 10th के सारे स्टूडेंट हैं, उनमें अगर लेट सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होंगे। कुछ का मानना ये होगा कि मैं 11th क्लास में साइंस लेके पढ़ूंगा, कुछ को मानना होगा कि मैं आर्ट्स पढ़ूंगा, कुछ का होगा कॉमर्स लेके पढ़ेंगे, किसी का मानना यह होगा कि मैं बिजनेस करूंगा, किसी का मानना यह होगा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी का डेवलपमेंट गोल्स ये होगा कि मुझे 90% चाहिए, किसी का ये भी हो सकता है कि मुझे 100% चाहिए, किसी का ये भी हो सकता है कि मैं जस्ट पास ही हो जाऊँ, ठीक है। सबके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे, जैसे कि कैटेगरी ऑफ पर्सन है और उनके क्या डेवलपमेंटल गोल्स या एस्पिरेशंस हो सकती हैं। जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, ठीक है, जैसे कि मोस्टली विलेजेस में होता है, तो उसकी क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकती है कि उसको ज्यादा दिनों के लिए काम मिल सके, बेटर वेजेस मिल सके, साथ ही साथ में अगर उसके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए स्कूल्स आसपास में स्कूल मिल सके जिसमें अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए, और साथ ही साथ में जो गांव में मेनली विलेजेस में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, वो कम हो सके, तो ये इसकी डेवलपमेंटल गोल हो सकती है। उसी तरह से जैसे कि प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उसकी क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकती है कि एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम रहे, फिर हायर सपोर्ट प्राइसेस, जो भी वो अनाज उगा रहा है प्रोडक्शन हो रहा है उसको अच्छा पैसा मिल सके बाई फ्रॉम मार्केट, साथ ही साथ में उसकी ये भी गोल्स हो सकते हैं कि एक हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिल सके ताकि उसके फार्म फील्ड में काम कर सके और वो अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल कर सके। तो ये हर पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंटल गोल्स अलग होते हैं। जैसे कि फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट है, तो उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं कि गवर्नमेंट उसको इरिगेशन फैसिलिटीज मुहैया कराए, ठीक है, फ्री में इरिगेशन फैसिलिटी हो, चाहे वो कैनाल सिस्टम के साथ हो या बोरवेल सिस्टम, या बिजली उसको कम रेट पे मिल सके, तो ये इसकी एस्पिरेशंस हो सकती है। तो सबकी अलग अलग होती है। जैसे अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की, उसकी क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम हो उसे खत्म हो सके, तो सबकी अलग अलग डेवलपमेंट या एस्पिरेशंस गोल्स होती हैं, तो आप इसे फिल कर सकते हैं ये सब, ठीक है। तो इस चार्ट से आपको क्या सीख मिलता है कि देयर आर टू थिंग्स क्वाइट क्लियर। पहला क्या कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये तो बहुत क्लियर हो गया। फिर एक चीज है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, ठीक है, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। इसका मैं डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट को अगर समझे तो जैसे कि हम प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, इसमें क्या है, उसको चाहिए कि एक
हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिल सके। लेकिन चीप लेबर का क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है? उसका डेवलपमेंटल गोल्स ये होगा कि उससे अच्छा तनख्वाह मिले, उससे अच्छा पैसा मिले। तो ये दोनों ही कंट्रास्टिंग गोल्स है, दोनों अलग अलग पर्सन के कंट्रास्टिंग गोल्स है। तो ऐसे बहुत सारे गोल्स होते हैं जो कंट्रास्टिंग फीचर के होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि इनकम एंड अदर गोल्स क्या क्या होते हैं। तो हम लोग तो पहले समझ गए हैं कि हर इंसान का एक गोल होता है कि हम एक अमीर इंसान बन सके, हमारे पास पैसा बहुत हो सके, कि पैसे की कमी ना हो सके। ये हर इंसान की एक गोल होता है, सेट होता है। साथ ही साथ में इनकम के साथ साथ में बहुत लोगों की ये भी आकांक्षाएं होती है कि उसको रेगुलर वर्क मिल सके, वो कभी फ्री ना बैठे, वो काम करता रहे, बेटर वेजेस, ठीक है, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स। तो ये फार्मर्स के लिए डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वही बात है कि इनकम ज्यादा हो सके। हर इंसान की यही ख्वाहिश है ना कि अमीर बनना, किसी की ये गोल तो नहीं होती है कि हम गरीब बन जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। जो डेवलपमेंट होगा वो हमेशा राइज होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कर्व आएगा। ऐसा नहीं होगा कि डेवलपमेंट डाउन साइड हो, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे हम ना, ठीक है। अगर आपके पास लेट सपोज 100 रुपया पर डे कमा रहे हैं, तो अगर आप 1000 रुपीज पर डे हो गए, तो इसमें क्या हो, इसको बोला जाएगा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अगर इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा तो उसको क्या बोलेगा, अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, या डिप्रिसिएशन बोलेंगे। ये सब टर्म आपको इकोनॉमिक्स पे आए दिन सुनने मिलेंगे, और 11th क्लास में जाके आपको और डिटेल में समझने मिलेगा, जिस जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे, ठीक है। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए ना, कि कहीं पे भेदभाव ना हो, फ्रीडम मिल सके। मोस्टली फीमेल्स को फ्रीडम नहीं मिलता है। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जॉब सिक्योरिटी हो या फिर फिजिकल सिक्योरिटी या मेंटल सिक्योरिटी, ये भी होनी चाहिए। एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, तो ये रेस्पेक्ट मिल सके सोसाइटी से, अपने फैमिली मेंबर से, तो ये भी डेवलपमेंटल गोल्स में से, गोल्स के हिस्से हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस, किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन हो, वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। इनफैक्ट सम केसेस दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम इनकम ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, ठीक है। पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता ना, तो पैसे से हम लोग सब कुछ तो नहीं खरीद सकते हैं, जैसे लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मनी या मटेरियल थिंग्स, मनी से हम लोग क्या कोई भी मटेरियल थिंग बाई कर सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस, लव, ये सब हम लोग बाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूएसए के पास बहुत पैसा है, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि यूएसए सबसे वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, ऐसा नहीं है। तो जरूरी नहीं है आपके पास पैसा हो तो आप सुखी ही होंगे या हैप्पी होंगे, तो ऐसे जरूरी नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम इनकम, मोर इनकम, हमें ये सब एस्पेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर डेवलपमेंट। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। ये सब क्या हो गया, नॉन मटेरियल थिंग्स है ना, इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट मिल सके, जॉब सिक्योरिटी, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो रेशियल हो या किसी टाइप का भी डिस्क्रिमिनेशन, ये सब नॉन मटेरियल थिंग्स है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोस्फेयर क्या होगा, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कितना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब हम लोग देखते हैं जब भी कभी नौकरी देखते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम इनकम सबसे पहला तो इनकम होता है कि कितना सैलरी मिलेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सैलरी हम लोग ये भी देखते हैं ना, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, एटमोस्फेयर क्या होगा वहाँ का, इवन हम लोग फूड भी देखते हैं कि खाना कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें होती है। अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। फिर इन अनादर केस, अ जॉब में गिव यू लेस लेस पे बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दैट एनहांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो
तो वैसा जॉब इसीलिए मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी रहती है, जॉब सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है, वो जब मन तब निकाल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से आपको अनएम्प्लॉयड बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में मेनली जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो विलेज बैकग्राउंड के होते हैं, वो मूव करते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की तरफ। इसीलिए वो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में ज्यादा इन्वॉल्व होता है बजाय प्राइवेट सेक्टर जॉब में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। तो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक ए मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम, इनकम के साथ साथ बहुत अन्य पहलू भी है जो मैंने अभी तक अभी डिस्कस कर चुका हूँ। द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स है, मनी एंड द मटेरियल थिंग्स। मनी तो इम्पोर्टेंट है ही है, मनी के बिना बहुत कुछ हम लोग नहीं कर सकते, तो मनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसा जरूरी नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना। प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिपेंड करता है। फिर गुड वर्किंग एटमोसफेयर एट द ऑफिस, या फिर आप कहीं भी, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर क्लास का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, आप अगर क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो हमेशा डिस्टर्ब करते, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सही से लेक्चर नहीं ले पाएंगे आप लोग। तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई में बाधा आप पड़ेगी, आप लोग सीख नहीं पाएंगे। तो ये भी एटमोसफियर, एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वैसे आप वैसे स्कूल में जाएंगे ना जहाँ पे आपको मोर अपॉर्चुनिटीज मिले, या वैसे ऑफिस में काम करना चाहेंगे, या वैसे हम कंट्रीज में काम करना चाहेंगे। इसीलिए मोस्टली क्या सब लोग यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज के तरफ जाते हैं कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ठीक है। अ पोजिशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन द फैमिली, चाहे वो फैमिली हो या सोसाइटी, एक रेस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको इम्पोर्टेंट है, सबको प्यारा लगता है कि रेस्पेक्ट मिले सब पीपल्स है। अ सेफ एंड अ सिक्योर एनवायरनमेंट, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट भी बहुत होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो इन सब का कुछ भी मतलब नहीं होगा। तो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, चाहे आपका घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब तक हम लोग समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट क्या है, इसके क्या क्या अलग फैक्टर्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है वो है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। तो जैसे कि हम लोग ने समझा कि हर इंडिविजुअल का एक डेवलपमेंटल गोल होता है, अगर हम हर इंडिविजुअल को सम अप कर देते हैं और देख लेते हैं एज ए कंट्री, एज ए कंट्री अगर हम लोग सम अप करेंगे, तो हमें एक नेशनल डेवलपमेंट गोल मिलेगा। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट गोल में क्या होगा, हर क्योंकि हर पर्सन का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है, तो नेशनल डेवलपमेंट का जो गोल होगा वो हर पर्सन के लिए भी अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर के लिए क्या हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट, कि फार्मिंग में, फार्मिंग सेक्टर में वो उसकी कंट्री और ज्यादा डेवलप कर सके, क्रॉप प्रोडक्शन वो बहुत ज्यादा कर सके। साथ ही साथ में अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उसकी उसकी ये डेवलपमेंटल गोल होगी कि इंडिया सुपर पावर बन जाए टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो हर इंसान का नेशनल डेवलपमेंटल गोल भी अलग होता है, जैसे इंडिविजुअल गोल अलग है, वैसे नेशनल डेवलपमेंटल गोल भी अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पर्सन रिगार्डिंग कंट्रीज डेवलपमेंट, दिस आइडियोलॉजीज कुड बी एट टाइम्स कंफ्लिक्टिंग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे जो बोलते होंगे कि स्पेस रिसर्च पे पैसा वेस्ट करके क्या फायदा है, या फिर आर्मी पे, डिफेंस फोर्सेस पे पैसा लगा के क्या फायदा है। तो ऐसे होते हैं ना, आइडियोलॉजी सबके अलग अलग होते हैं, तो नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग होंगे। तो इट इज मेजर्ड बाई एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम थोड़े टाइम बाद हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। पीपल हैव कंफ्लिक्टिंग गोल्स, कंट्रास्टिंग गोल होता है, मींस दैट डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। उसका मैं जो पहले जिक्र किया था, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सरदार सरोवर डैम, ये पता होगा, जिसे हम लोग नर्मदा डैम भी कहते हैं। तो मेनली ये नर्मदा रिवर पर डैम बन रहा है। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, जैसे कि
इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स फॉर द पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट। जैसे कि गुजरात जहाँ पर सूखा पड़ता है, वहाँ के लोगों के लिए जो सरदार सरोवर डैम है वो एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनको पानी मिल सकता है अपने इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए या पीने के लिए भी, इवन वो पानी उनको मिल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस डैम, सरदार सरोवर डैम। लेकिन साथ ही साथ में वैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो स्पेशली ट्राइबल्स जो होंगे जो फॉरेस्ट में सेटल रहते हैं, उनको बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डैम बनने से बहुत सारा उनका जो घर होगा या फिर फॉरेस्ट एरिया होगा वो सबमर्ज हो जाएगा अंडर वाटर, तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, डेवलपमेंट में भी कुछ रिपरकशंस जरूर होते हैं। जैसे कि ये सरदार सरोवर डैम है, ये डेवलपमेंट हो तो रहा है कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए हो रहा हो, मेनली गुजरात के पीपल को, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों को जरूर हेल्प कर रहा होगा, लेकिन जो लोकलाइट्स जो मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया होगा। तो यही मतलब है, तो कभी कल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी से कि द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कभी कल जो सीबीएसई है वो पूछ लेता है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझाना होगा, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप है या कौन अंडर डेवलप है, वो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो उसको कंपेयर करने के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो कहा जाता है वो है नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है, द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, एक साल के अंदर और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी के साथ साथ जो प्लस नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो होंगे बाहर सेटल्ड होंगे, बाहर से वो कमाई करते होंगे और वो फिर पैसा जो है वो अपने बैक टू फैमिली भेजते होंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस कहा जाता है, रेमिटेंसेस। ठीक है, तो जो नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड होती है वो रेमिटेंसेस है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम को आपका कंसेप्ट समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। फिर आता है पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम जो है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता कि कंट्री कितना ज्यादा डेवलप है या कोई स्टेट कितना ज्यादा डेवलप है। तो नेशनल इनकम क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री ले लेंगे, उसको हम अगर हम लोग इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, 1.4 बिलियन के आसपास है। और अगर कोई लेट सपोज रशिया ले लेता है, रशिया का पॉपुलेशन क्या है, तो जस्ट 14 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जीडीपी इंडिया से कम ही है क्योंकि इंडिया की जीडीपी क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, लेकिन हमारा नेशनल इनकम रशिया से ज्यादा है, नेशनल इनकम हमारा रशिया से ज्यादा है। लेकिन पर कैपिटा इनकम के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम रशिया से कम है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए हमारा जीडीपी भी ज्यादा हो रहा है उस रेस्पेक्ट में, लेकिन हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम बेसिकली रेशियो है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम कितनी हुई है, नेशनल इनकम कितनी है उस कंट्री के डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, लेट सपोज टोटल इनकम मान लेते कि 1,000 रुपया फॉर रशिया के केस में, लेकिन ठीक है उसका पॉपुलेशन क्या है, मान लेते 10 है, 10 लोग हैं, तो इसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, 100 होगी।
लेकिन अगर हमारी नेशनल इनकम जो है, लेट सपोज मान लेते हैं कि 1,000 ही रुपया, लेकिन हमारी पॉपुलेशन क्या है, वो 6 से 7 गुना वो ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी पॉपुलेशन लेट सपोज 100 है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, हमारी पर कैपिटा इनकम 10 होगी, और रशिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, 100 है। तो इससे हमें क्या हो रहा है, एग्जैक्ट फिगर पता चल जा रहा है कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है वो एक अच्छा मेथड है कंपेयर करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट मेथड नहीं है, अच्छा एग्जैक्ट फिगर नहीं है जिससे हम लोग दो कंट्रीज को या विद इन द कंट्रीज को भी, जैसे स्टेट्स होते हैं उसको हम लोग कंपेयर कर सकें। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम रेशियो है ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर ईयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो आसान भाषा में आप बस ये लिख देंगे तो भी चलेगा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, इसे हम लोग एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो एवरेज इनकम हो या पर कैपिटा इनकम, बात सेम सेम ही थिंग है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, द क्राइटेरिया, हम लोग कैसे फाउंड आउट करेंगे कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बताते हैं कि, तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, तो उसमें क्राइटेरिया दिया गया है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US$1,256, तो जिनकी पर कैपिटा इनकम अगर इससे ज्यादा होगी, $12,000 अप्रोक्सीमेटली, US$12,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली देख लेंगे तो इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 10 लाख होगा, ऑलमोस्ट 10 लाख समझ लो। तो जिनकी नेशनल पर कैपिटा इनकम 10 लाख से ज्यादा होगी या US डॉलर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो उसे हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा है, तो डेटा चेंज होते रहता है, तो आपको इतना वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक रफ फिगर बना लीजिए कि अगर कोई नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है, अगर उसकी किसी किसी उस कंट्री की अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो मतलब वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री में आएगा, उसे हम लोग रिच कंट्री कहेंगे। लेकिन दोस पर कैपिटा इनकम जिसकी US$955 और उससे भी लेस है, मतलब समझ लीजिए 80,000 रुपये, ये पर एनम की बात हो रही है, पूरे साल की। ठीक है, पर एनम, पर मंथ मत समझिएगा, तो 80,000 से भी कम है जिसकी पर कैपिटा इनकम पूरे साल की, तो वो से हम लोग लो इनकम कंट्रीज में कंसीडर करेंगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है, तो इंडिया जब जब इंडिपेंडेंस गेन किया था तो इंडिया भी लो इनकम कंट्रीज के अंडर अंडर ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया अपना पोजिशंस को बढ़ाया है और इंडिया जो है, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, तो लोअर मिडिल इनकम से जस्ट एक अवॉइड लेवल पे है, हमें और भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा कंट्रीज, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट US डॉलर कितना है, 1,820 पर एनम। ठीक है, तो ये फिगर याद रखना से अच्छा रहेगा क्योंकि इंडिया का है। ठीक है, तो इंडिया वाले फिगर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो रिच कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज में भी कौन से कंट्रीज, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब जो कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा ही डेवलप्ड है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे एशिया में हो गया, अफ्रीका में हो गया, ये सब क्या हो गया, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ये कार्टून डायग्राम में आपको समझ आएगा, कंट्रीज विथ नो रिच एंड नो पुअर, तो कंट्रीज जिसमें कि इनकम डिस्पैरिटी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अमीर लोग भी नहीं है या बहुत ज्यादा गरीब लोग नहीं है, तो उसमें क्या होगा, इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कंट्री विथ रिच एंड पुअर, जैसे कि इंडिया का केस देख लीजिए, इंडिया में जैसे 1% ऑफ द जो रिचेस्ट पीपल है उनके पास 57% अप्रोक्सीमेटली 57% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ है, ये नया डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, नया एक रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग, जो 1% ऑफ द रिचेस्ट पीपल है इन पूरे इंडिया में
उनकी वेल्थ कितनी है, तो 57% ऑफ होल इंडिया। तो सोच लीजिए, इसीलिए देख लीजिए, इसे हम अमीर एक इंसान कंसिडर कर सकते हैं और उसी के साथ साथ में एक गरीब इंसान। तो अगर कंपेयर करना चाहें तो जैसे कि आप समझ लीजिए, लेट सपोज जो मुंबई में अंबानी का हाउस समझ लीजिए, ये अंबानी का हाउस है और उसके सामने ये धारावी का जो स्लम एरिया, ठीक है। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, मैं जरूरी नहीं है कि ऐसा रियल में हो, लेकिन मैं जस्ट कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंडिया के केस में ऐसा बहुत ज्यादा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, लेकिन जो जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, इसमें क्या होता है, ना ज्यादा बहुत रिच लोग हैं ना ज्यादा पुअर लोग, तो वहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो गैप ज्यादा नहीं होता, रिच बिटवीन द जो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर है वो बहुत कम होता है, लेकिन इंडिया में गैप जो है वो धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है आफ्टर कोरोना, तो ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम हम लोग समझ गए, फिर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया भी समझना जरूरी है। जैसे हम लोग कंट्रीज वाइज देख लिए, अब हम स्टेट वाइज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पर कैपिटा इनकम फॉर 2015-16 अगर डेटा देख लेते हैं, तो अगर हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करें तो इस फिगर से क्या लगेगा कि हरियाणा के पास पर कैपिटा इनकम कितना है, 1,80,000 के अप्रोक्सीमेटली है, और बिहार में क्या है, 34,000 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या लगेगा कि हरियाणा इज मोस्ट डेवलप्ड कंट्री अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम, और बिहार जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, और केरला मिडिल में लाई करता है। तो ये कंपैरिजन है विद इन कंट्री, इंडिया के कंट्री, इंडिया के अंदर ही देख लीजिए इनकम डिस्पैरिटी किस तरह से, हरियाणा, पंजाब ऐसे स्टेट में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होने के कारण जो है एक ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है, ठीक है। लेकिन बिहार में देख लीजिए, बिहार बिहार को इसीलिए कौन सा कहा जाता है, बिहार, बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, झारखंड है, ऐसे स्टेट्स को कहा जाता है बीमारू स्टेट्स। बीमारू आप कोई डिजीज से मत कंपेयर कीजिए, बीमारू एक कंसेप्ट दिया गया था बहुत बड़े इंडियन एक पॉलियो ये थे, ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने बीमारू शब्द को डिफाइन किया था। बीमारू जैसे बी से हो गया बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक टर्म बनाया था बीमारू स्टेट्स, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड जैसे देशों स्टेट्स को जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है। अब हम लोग और डिटेल में समझेंगे। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग समझ गए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, मोस्ट डेवलप्ड है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम, लेकिन हम लोग और भी डेटा को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड नहीं है, बल्कि केरला जो है वो मोस्ट ज्यादा डेवलप्ड होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पर कैपिटा इनकम में तो ऑब्वियसली वो हरियाणा टॉप पे था, लेकिन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कंसिडर किया जाए, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इससे भी बहुत बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है पर 1,000 लाइफ चिल्ड्रन का, उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो हरियाणा में कितना है, 30 है, केरला में कितना है, जस्ट 10 है, ठीक है, और बिहार में तो क्योंकि अंडर डेवलप्ड है तो इसमें सबसे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए तो केरला सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, उसके बाद हरियाणा आएगा, फिर देन बिहार आएगा। फिर अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट देखा जाए, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, तो केरला में सबसे ज्यादा है, मोर देन 94% आज के टाइम में, तो ये 100% के अप्रोक्सीमेटली होगा। हरियाणा में कितना है, 82% एंड 62% फॉर द बिहार। तो अगर लिटरेसी रेट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो फिर केरला ही टॉप कर रहा। फिर हम लोग देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब इज द नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, कि
मतलब इसका आसान भाषा में समझाया जाए कि कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो 14 से 15 साल के वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, स्कूल में रेगुलरली जा रहे हैं। तो 83% जो है वो केरला में, सबसे कम किधर है, 43। तो सबसे मोर डेवलप क्या हो गया, वो हो गया केरला, और सबसे लीस्ट डेवलप्ड है बिहार। तो पर कैपिटा में भले ही हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड था, लेकिन ये सब भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो बताता है कि हेल्थ स्टेटस क्या है उसका स्टेट का, लिटरेसी रेट बताता है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये सब अपार्ट फ्रॉम इनकम, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो स्टेट को बता सकता है कि कौन सा स्टेट कितना ज्यादा डेवलप है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि केरला जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट कहा जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, और बिहार को सबसे लीस्ट डेवलप्ड कहा जाएगा। फिर हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड दिस क्रूशियल एरियाज? तो आपको ये डाउट तो जरूर होगा ना कि हरियाणा में इनकम ज्यादा है लेकिन वो लैग कर रहा है बाकी जो जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो या उन सब में लैग क्यों कर रहा है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे, द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, ठीक है। पैसे से हम लोग, वही मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ कि पैसे से सब कुछ हम लोग नहीं खरीद सकते। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। हम लोग पैसा देकर तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते ना, या फिर अनएडल्टरेटेड मेडिसिन नहीं खरीद सकते, मिलावटी दवाइयां जो है वो तो सबके लिए मिलता है। अनलेस यू कैन नॉट अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दिस थिंग्स, या फिर हमें पूरी तरह से शिफ्ट होना पड़ेगा, किसी दूसरे कंट्री में चल जाए या दूसरे लोकैलिटी में सेटल हो जाए। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में क्या हो रहा था, कोविड कोरोना ऐसा तो नहीं है कि अमीर लोगों को नहीं हो रहा था, सिर्फ गरीब लोगों को हो रहा था, ऐसा वो चूज तो नहीं कर रहा था ना। तो उसी तरह से केरला ज्यादा डेवलप क्यों है, क्यों क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। उसके पास लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है। लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट मतलब कि वहां की जो हेल्थ कंडीशन है, बेसिक जो हेल्थ कंडीशन है केरला स्टेट की, वो बहुत ज्यादा डेवलप है, उस पर बहुत ज्यादा केरला गवर्नमेंट काम करती है। साथ ही साथ में एजुकेशनल फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है। तो जहां पे दो चीज, हेल्थ और एजुकेशन, जिस स्टेट में हेल्थ प्लस एजुकेशन बेटर होगा वो इवेंचुअली वैसे स्टेट जो होंगे वो बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे। आप देख लीजिए सदर्न स्टेट्स जितना भी अच्छा है, वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर कर्नाटक हो, वहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए ईस्टर्न इंडिया में या नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे राजस्थान हो गया या बिहार हो गया, वहाँ पे एजुकेशन पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं किया जाता, हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं किया जाता, इसीलिए वो आज भी अंडर डेवलप्ड है। फिर साथ ही साथ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पीडीएस सिस्टम है, जो रेशन शॉप्स की, जो जिसमें हम लोग को गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट में अनाज मिलता है, गेहूं चावल दाल जो भी मिलता है, वो फैसिलिटीज भी केरला जैसे स्टेट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए क्या होता है, साथ ही साथ में हेल्थ भी है, एजुकेशन भी, और साथ ही साथ में फूड। तो ये तीन फैक्टर्स जो है जिस भी स्टेट में या जिस भी कंट्री में अगर अच्छा होगा तो इवेंचुअली वो कंट्री मोर डेवलप होगा ही होगा, ठीक है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। अब आपको समझ आ गया होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर्स, कौन कौन से, हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम फॉर कंपैरिजन। तो बेसिकली एक इंडेक्स है, अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है, तो अगर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट है, श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट, उसके बाद इंडिया का आता है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देख लीजिए,
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, डिफाइन करना है, डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ठीक है, तो एवरेज कितने साल तक जिए जी सकता है। इंडिया में जब इनिशियली इंडिपेंडेंस था तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के आसपास था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, धीरे धीरे करके वो 68 69, और आज प्रेजेंट देखा जाए तो 70 के अबव है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। तो ये थोड़ी पुरानी डेटा, इसीलिए इसमें 68.8 दिया गया। तो इस डेटा में भी देखेंगे तो श्रीलंका इसमें भी बाजी मार लेता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर भी अच्छी है इन कंपैरिजन टू बाकी जितने भी बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज। इवन बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडियन से ज़्यादा अच्छा। ठीक है, फिर तीसरी क्राइटेरिया क्या है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। तो मीन स्कूल ऑफ ईयर कितना है, तो श्रीलंका में 10.9, इसमें भी वो श्रीलंका बहुत ज्यादा है। तो मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब क्या है कि एवरेज पर्सन कितने हैं जो पढ़े लिखे कितने हैं, एजुकेशन सेक्टर में कौन आ गया है। तो तीनों सेक्टर में देखेंगे तो चाहे वो ग्रॉस नेशनल इनकम हो, पर कैपिटा इनकम हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, या मीन स्कूल ईयर स्कूलिंग ईयर्स जो है, वो तीनों में ही श्रीलंका आगे है अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किया जाए। तो हम क्या इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि श्रीलंका इज मोस्ट डेवलप्ड अमंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज। और साथ ही साथ में हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, लेट सपोज पाकिस्तान जो है वो लिस्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीनों क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बर्थ और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं। तो हर साल रैंक आती है इंडिया की, तो 2018 में इंडिया की रैंक कितनी थी, 138 रैंक। ठीक है, तो ये रैंक जो है वो हर साल ही रैंक आती है अमॉन्ग 189 कंट्रीज में। ठीक है, तो कभी 131 होती है, कभी 121 हो जाती है, तो अलग अलग रैंक आते रहती है। ये इम्पोर्टेंट एज सच नहीं है, लेकिन आप जो करेंट ईयर की जो रैंकिंग है वो आप याद रख सकते हैं तो बेटर होगा। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन आर द इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट बिसाइड फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। बिसाइड रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, वो पब्लिश करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, HDI क्या है, बताता है कि इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कौन कितना ज्यादा डेवलप्ड है। तो अगर HDI के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब जो कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा डेवलप है इन कंपेरिजन टू यूएस भी। यूएस पैसों के मामले में ज्यादा डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप होगा, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंटेक्स्ट में हमेशा जो इंडियन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को हमेशा टॉप करती है। इट एचडीआई क्या इंडिकेट करता है, और साथ साथ में इंडिकेट्स टू अ कंट्री हाउ फार इट हैज रीच्ड एंड हाउ फार इट हैज येट टू रीच टू अचीव हाई रैंक्स इन मैटर्स सच एज पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। वन कम्स टू नो द इंपॉर्टेंट वेलफेयर एलिमेंट सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल एंड हेल्थ स्टेटस। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है जापान में। अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो जापान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो इसीलिए जापान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो भी बहुत बेटर होती है, ऑलमोस्ट हमेशा वो 20 के नीचे ही उसकी रैंक रहती है। तो जो एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, ये तीनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंटेक्स्ट में। अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं जिसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत बार आपने अलग अलग चाहे एनवायरनमेंट में हो या ज्योग्राफी हो, अलग अलग जगह में आप लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़े ही होंगे। तो सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू यूज रिसोर्सेज जुडिशियस।
ठीक है, रिसोर्सेस को किस तरह से जुडिशियसली यूज किया जाए ताकि हमारी जो नीड है, प्रेजेंट जो नीड है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और इनफ रिसोर्सेस बच जाए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, एवरी जनरेशन वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज, बट सच थिंग वुड बी क्वाइट डिजास्टर्स बिकॉज अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी एग्जॉस्टेड, क्योंकि रिसोर्सेज एक फाइनाइट वैल्यू है, रिसोर्स कभी ना कभी जाके एग्जॉस्ट होगा ही, तो हमें रिसोर्सेस को, जितना भी रिसोर्सेस है उसे बहुत केयरफुली प्लानिंग करके जुडिशियसली हम लोग को यूज करना होगा। तो रिसोर्सेस के कंटेक्स्ट में मैं जब ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 की रिसोर्सेस में, उसमें भी और अच्छे से डील किया हूँ और उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चंस आ जाता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि क्या इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो आपको कुछ पॉइंट्स में लिखने होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट फुलफिलिंग द नीड ऑफ टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यही इसकी डेफिनेशन है। सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू यूज रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मेंटेन रहेगी। इट लेज एन एम्फसाइज ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड चेक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो जाए, टू स्टॉप ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस, तो ये सब इम्पॉर्टेंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो इस ऐसे टाइप ऑफ मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसीलिए अटैच कर दिया। फिर ऐसे कौन से मेजर्स हो, मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सबसे पहला जो है इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वैसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं वैसे रिसोर्सेज को हम लोग यूज करना ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सब रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी हमें धीरे धीरे करके कम करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मैं बता ही दिया कि फॉसिल फ्यूल्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बी फॉर्म, बहुत सालों, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनने में, पेट्रोलियम में, कोयला बनने में, कोल, तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल पे हमें कम डिपेंडेंस रखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कम से कम यूज हो सके जहां पर फर्टिलाइजर्स या सिंथेटिक केमिकल्स का कम से कम यूज हो सके, तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, साथ ही साथ में जो हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, वो भी अच्छा रहेगा। फिर अडॉप्टिंग मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए बस हमें स्टेप्स लेने होंगे इन आवर एवरीडे लाइफ, और ग्लोबल वार्मिंग ऐसे कम नहीं होगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में पूरा ग्लोब के जितने भी पीपल है सबका योगदान है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सबको ही मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक कंट्री को मेहनत करने से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो सब कंट्रीज को ही मेहनत करना पड़ेगा, सब इंसान को ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के जो अभी प्रकोप है उससे कम कर सकते हैं, टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन 1%, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अर्थ में ऐसे बहुत रिसोर्सेस हैं जिससे जो ह्यूमन की नीड है, बेसिक नीड है, वो फुलफिल हो सकेगा, लेकिन अगर किसी पर्सन की लालच है, किसी की ग्रीड है कि हमें और रिसोर्सेस चाहिए, तो वो कभी कोई फुलफिल नहीं हो सकता, उतना रिसोर्सेस नहीं है, तो बेसिक नीड के लिए रिसोर्सेस है, तो ये बहुत डीप बात महात्मा गांधी जी ने कही थी और बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आज के कंटेक्स्ट में और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। तो अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो अगर ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो और ज्यादा आपके जो आंसर है वो ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। दिस मीन्स तो ये इसका मतलब तो समझ आ ही गया होगा। फिर जो एनसीईआरटी बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एग्जांपल्स दिए गए थे वो दो थे, ग्राउंड वाटर और क्रूड ऑयल। तो ग्राउंड वाटर बेसिकली क्या है, जो वाटर, रेन वाटर जो मिट्टी में मिल जाता, वो रेन वाटर आया और वो ग्राउंड में अंदर डिपॉजिट हो गया, उसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है।
क्यों? इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ कहीं पे बारिश नहीं हो रहा, सूखा पड़ जा रहा है, ड्रॉट हो जा रहा है, या कहीं पे एक्सेसिव बारिश हो जा रहा है कम समय में, या कहीं पर डिफॉरेस्टेशन है, इसके कारण भी ये सब ग्राउंड वाटर की लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। साथ ही साथ में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ग्राउंड वाटर को डिक्रीज कर रहा है लेवल उसकी, वो है कंक्रीटाइजेशन। आप लोग देख रहे होंगे कि सब जगह क्या हो रहा, कंक्रीट बना दे रहा है लोग सब कुछ, चाहे वो रोड हो। ऑब्वियसली हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हम लोग सब जगह क्या कर रहे हैं, कंक्रीटाइजेशन कर दे रहे हैं। कंक्रीटाइजेशन से क्या हो जाएगा, जो हमारा जो टॉप लेयर है वो पूरा कंक्रीट का बन जाएगा, तो जो भी रेन वाटर होगा, जहां पर भी बारिश होता होगा, वो नीचे परकुलेट नहीं करेगा, ग्राउंड में अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो जो ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है, चाहे वो फार्मर्स हो या कोई भी ह्यूमन बींग हो, तो उससे क्या होगा, उस पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, जैसे पंजाब में क्या हुआ था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो बहुत ज्यादा खेती बाड़ी किया गया बाय द पंजाबीज, तो उसके कारण क्या हो गया, वो इरिगेशन के लिए वो लोग ग्राउंड वाटर का ही यूज करते थे, तो विदाउट एनी प्लानिंग वो इतना एक्सेसिव यूज करने लग गए ग्राउंड वाटर की, कि वहाँ की पंजाब की ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई है। और कई कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर है ही नहीं, आप कितना भी अंदर तक मिट्टी में खोद लीजिए आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा नहीं। और ग्राउंड वाटर जितना हम लोग डीप जाएंगे, पानी जितना डीप जाएगा, लेवल डिक्रीज होगा, उसमें क्या होगा, जो हैवी मेटल्स होते हैं, मर्क्यूरी, कैडमियम, नाइट्रेट, ये सब हैवी मेटल्स पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर वो पानी हम लोग पीते हैं या फिर एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, उससे क्या होगा, वो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में आएगा और हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए आपको पता होगा कि पंजाब में वैसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पर ग्राउंड वाटर यूजेस से बहुत सारे कैंसर जैसे बीमारियां भी होती है। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर का सिचुएशन है। तो हमें कंक्रीटाइजेशन को कम करना होगा, डिफॉरेस्टेशन को एकदम डिक्रीज करके अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन पर फोकस करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं और पानी की जो समस्या है वो कभी कम नहीं होगी। साथ ही साथ में अदर एग्जाम्पल क्या है, क्रूड ऑयल भी। क्रूड ऑयल भी बेसिकली वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वो रिसोर्स मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे वो रिन्यू होने में। तो क्रूड ऑयल मेनली कहाँ पर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में है। तो क्रूड ऑयल भी जो है वो फाइनाइट रिसोर्स है, वो कभी ना कभी डिप्लीट तो होगा। इसीलिए हम लोग को क्रूड ऑयल पे, या जैसे पेट्रोलियम हो गया, या सीएनजी, एलपीजी, इन सब पे एम्फोसिस हमें धीरे धीरे कम करना होगा और हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, साथ ही साथ में जो अब नया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एनर्जी जो है उस पर हम लोग को एम्फोसिस ज्यादा देना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में मूव करना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर से मैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।